आप सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ कहाँ गायब हो गया। तो आपको पता लग गया है कि आज की जो डिश है उसका नाम क्या है। आज हम बना रहे हैं बैगन का भरता, बहुत ही शानदार तरीके से। उसमें मटर डालेंगे और दो आलू भी डालेंगे। और बैगन के बारे में ये कहा जाता है बेगुन, कि इसके अंदर कोई गुण ही नहीं है। इसके गुण देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा। बहुत मेहनत से डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना हुआ है। आज मार्च 18 तारीख है और नैनीताल में जो सर्दी का आलम है पूछिए मत। भयंकर बारिश और ओलावृष्टि हुई है नैनीताल में। तो हमने डिसाइड किया क्यों नहीं बैगन का भरता बनाया जाए। आइए देखते हैं बैगन का भरता बनाने के लिए क्या क्या हमें सामग्री चाहिए। तो हमने दो बैगन लिए हुए हैं, एक मैंने बड़ा प्याज लिया हुआ है, टमाटर प्यूरी लिए रखी है एक टमाटर की, जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो गार्लिक है एक गांठ डाली हुई है, जिंजर जो है इतना सा पीस डाला हुआ है, और जो मसाले हैं आप अंदाज से डाल दीजिए। हल्दी है, सूखा धनिया है, मिर्च है, 15 मिनट पहले भीगे हुए मसाले हैं। ये है मटर, मटर को हमने 2 सीटी उबाल दे दिया था, और ये हैं 2 आलू, आलू भी उबले हुए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। और आगे मैं हैं, अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको पील करते हैं, और फटाफट इसकी ड्रेसिंग करके हम इस बड़े बोल में डालेंगे, और इससे इस गैज जो भी ये है इससे हम इसको मैश कर लेंगे। बहुत ही आराम से इसके छिलके निकलते हैं। आपको एकदम इसको धोना वगैरह कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसमें काला काला कहीं पर छूट जाता है ना, आप देख रहे होंगे ये इस तरह के, तो रहने दीजिएगा थोड़ा सा। उससे क्या होता है, स्मोकी फ्लेवर आता है, वही मजा है बैगन के भरते खाने का। अगर आप पूरा निकाल देंगे काला, जो बहुत ज्यादा मेहनत ना करें काला निकालने में, जो फटाफट निकल जाए, इस तरीके से ये निकल जाता है। इस तरीके से आपने देखा, इसमें ज्यादा आपका कालापन भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कालापन जो है वो फ्लेवर के लिए, स्मोकी फ्लेवर के लिए, वो आपको रहने देना है। और इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको मैश कर लें, और इसी में 2 आलू भी डाल देते हैं। आलूओं को ज्यादा वो ना करें, बस इस तरीके से कुछ हमें इसमें करना है, बस ज्यादा ना करें। सरसों का तेल है, लोहे की कढ़ाई है, तेल एबंडेंस में पड़ता है, थोड़ा ज्यादा पड़ता है, हायर साइड में पड़ता है। मैं इसमें प्याज डालता हूं, और प्याज को हम ब्राउन होने तक का भूनेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन होने तक का हम प्याज को भूनते हैं। प्याज हमारा बिल्कुल सुनहरा हो चुका है, रेडी हो चुका है। हम इसमें डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, अपने मसाले जो भिगा रखे थे। और साथ ही साथ हम इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल देंगे। नमक भी इसमें डाल देते हैं, जिससे बढ़िया सा गले। ये थोड़ा सा चुटकी भर इसमें हम अभी गरम मसाला डाल देते हैं। इसमें जो मसाला है हमारा रस बस जाए, इस वजह से बाद में हम जब डिश तैयार होगी तब भी गरम मसाला डालेंगे। अब हम इंतजार करते हैं इसके तेल छोड़ने का। क्या शानदार कलर आ गया, देखो वाह, तेल किस तरीके से छोड़ा हुआ है इसमें, मजेदार, क्या रॉयल कलर आया हुआ है। अब टाइम आ गया है इसमें अपने बैटर को डाल देने का। बैटर मींस जो हमारे मैश किया हुआ गजूना हुआ जो हमारा आलू था और बैगन था,
और इसमें साथ ही साथ हम मटर भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए तेल इसमें थोड़ा सा एबंडेंस में डलता है, क्योंकि ये जो डिश है वो है थोड़ा शाही टाइप की। तो इस तरीके से इसको सब कुछ तैयार है हमारा, आलू बॉइल्ड है, मटर बॉइल्ड है, इसको ज़्यादा हमने कुछ करना नहीं है, बस 10 मिनट में थोड़ा तला लगने दें इसको और ये डिश तैयार हमारी। इसको पकाते हुए हमें 7-8 मिनट हो गए हैं और इसको इस तरीके से घुमा घुमा के इसका कलर हमने इस तरह का निकाल दिया है। इसमें मिलाते हैं गरम मसाला, और गरम मसाला मिलाना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये डिश थोड़ा मीट की तरह ही बनती है। पहले भी हमने इसमें गरम मसाला मिलाया था, अब ये डिश हो गई है बिल्कुल तैयार। इतनी ज़्यादा हेल्दी डिश है ये कि पूछे मत। गैस को करते हैं बंद और दिखाते हैं आपको इसका प्रेजेंटेशन करके। ये आई भैया जी प्लेट में डिश, आय हाय 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 हाय। रोटी में लगा हो बटर और कुछ नहीं चाहिए इसके साथ खाने को। बैगन का भरता इतनी गजब की चीज होती है कि आप विश्वास नहीं कर सकते इस मेथड से। और मुझे यह भी पता है, मुझे एक चीज पता है कि आप मेरे वीडियोस को स्किप कर करके देख रहे हैं। आप वीडियोस पूरा देखिए, वीडियो जितने भी वीडियोस हैं मेरे टॉप टू बॉटम हेड टू टो आपको पूरा देखना है, तभी मजा आएगा। रेसिपी है क्या, रेसिपी का मतलब क्या है, रेसिपी मीन्स किसी चीज को मेथड कैसे आएगा। आप स्किप करके देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो लेट मी टेस्ट इट, बातें तो बहुत हैं और ये स्वाद इतना ज्यादा बैलेंस टेस्ट, मजा आ गया। टमाटरों की एक हल्की सी खटास, एक स्मोकी फ्लेवर जो हमने उसको बढ़ाया था आपके बैगन को, उसका एक स्मोकी, क्या बैलेंस, बहुत ही शानदार। इस तरीके से आप इसको बनाएं और आपको मजा आ जाएगा। मेरे वीडियोस को आप पूरा देखें, पूरा। आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, रिलेटिव्स में, और कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।